हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति दिवाकर. तो आज है 11 अगस्त और हम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि पड़ी है 2-3 दिन की छुट्टी. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, अंधेरा हो रहा है. क्या रात हो रही है? नहीं, ये हो रहे हैं सुबह के 4 बजे हैं और हम लोग निकल चुके हैं. सबसे पहले हम लोग डलवाएंगे पेट्रोल और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से सीधा मसूरी के लिए. तो वहाँ रुकेंगे हम 2 से 3 दिन और वापस आएंगे. तो सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी हमने कर लिए हैं चलते चलते. तो रात में मतलब दिखा रही हूँ मैं आपको कि कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे. 15 अगस्त की वजह से इन्होंने सारे फ्लैग्स वगैरह और फ्लैग्स के कलर के स्ट्रीट लाइट लगाई हुई थी. तो बस रास्ते में चल रहे हैं. अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में हम 10 से 11 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे. तो चलिए चलिए. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति दिवाकर. तो आज है रक्षाबंधन का दिन, बट मैं नोएडा नहीं जा रही हूँ. तो हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए. तो 4 बजे हम लोग निकल चुके थे शार्प. उसके बाद में हमने पेट्रोल डलवा लिया है और अब हम पहुँच चुके हैं गाजियाबाद वाले रूट पे. तो रास्ता जो ऑन द वे है अभी हम, और फ्लाईओवर से जाना था, बट ये पूरा रास्ता हमें अंदर अंदर से लेके आया, तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं. और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:45 और आयुष पीछे सो गया है. तो अभी पूरा जो रास्ता है ये नहर वाला रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे. तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं. तो आगे मैं मिलती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ कि हम कहाँ पे पहुँचते हैं किस रास्ते से. तो बने रहिए और देखते रहिए आगे वीडियो. तो ये मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ, बीच में जो भी मॉर्निंग का व्यू है वो दिखा रही हूँ. देखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा मतलब 1 से 2 घंटे का रास्ता है जो पूरा सेम ऐसा ही चलता आ रहा है. और रास्ते में हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, बिल्कुल ही स्मूथ था. क्योंकि फेस्टिवल टाइम था, हमें लग रहा था कि हमें जल्दी निकलना चाहिए, बहुत ट्रैफिक होगा, बट ट्रैफिक हमें कहीं भी नहीं मिला. हम 10-11 बजे तक पहुंच गए थे मसूरी. तो रास्ते में यहाँ पर थे बहुत सारे बंदर, और मतलब बहुत ज़्यादा, इतने तो मैंने देखे नहीं कभी भी इकट्ठे. तो सड़क में बैठे हुए थे, जिनकी वजह से मतलब जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैं दिखाती हूँ आपको कि देख कितने सारे मंकीज़ हैं यहाँ पर. तो ये देखो कितने सारे मंकीज़ हैं, और हॉर्न दे रहे थे फिर भी नहीं हट रहे थे, क्योंकि लोग इनको ना कुछ फेंक के दे रहे थे अपनी जो भी गाड़ी में उनके पास में था. और ये बहुत एक्टिव थे, इन्हें पता था कि कुछ ना कुछ मिलेगा. तो बस साइड साइड होते जा रहे थे और खाते जा रहे थे अपना. देखो गाड़ी के सामने से इतनी तेज़ तेज़ भाग रहे थे, डर भी लग रहा था कि कहीं कोई एक आध छोटा बच्चा कुछ नीचे ना आ जाए. तो बहुत केयरफुली हमने यहाँ पे ड्राइव किया. ऐसे एक झुंड मिला हमें, फिर नेक्स्ट, फिर और हमें झुंड मिला बंदरों का. तो बंदरों का मेला यहाँ लगा हुआ था गाइस, बट अच्छा था, इन्जॉय किया. तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़े से 5 से 10 मिनट के लिए चाय पीने के लिए, क्योंकि ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबा रास्ता है. तो चाय पी लेते हैं यहाँ पर फटाफट से और फिर निकलते हैं आगे की तरफ. तो सेम जगह पे हम रुके हैं जहाँ हम पहले रुकते थे. बट अभी तो बंद है. अभी बंद है.
यहाँ पर मैगी उसकी फेवरेट, और बहुत स्पाइसी थी तो इसलिए इसने पूरी फिनिश नहीं करी है अपनी। और हम भी खा लेते हैं मैगी। आइए गाइस आप भी चाय पी लीजिए। शुरू हो गए और बहुत ही वैसा लग रहा है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है आप देख सकते हो, और ऐसा लग रहा है कि बारिश भी आएगी। और सामने हमें देहरादून दिख रहा है, देहरादून यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है, तो बस हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मसूरी, और मौसम देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है, पूरे क्लाउडी क्लाउडी। हो सकता है कि ऊपर पहाड़ों पे बारिश भी हो रही हो, क्योंकि यहाँ तो अभी नहीं हो रही है, बट लग रहा है कि यहाँ भी होने ही वाली है। ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। और आयुष तो बेचारा अभी सो गया है, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दूंगी, तो थोड़ी देर बाद उठाऊंगी उसको जैसे ही माउंटेन्स हमारे और थोड़ा क्लोज आएंगे, तो तब मैं उसको उठा दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे आगे के रास्ते में, तो आप देखते रहिए वीडियो मेरी। आयुष अभी सो गया है, थोड़ी देर में इसको उठाऊंगी। हम लोग कर रहे हैं अपना एंजॉय ताकि नींद ना आए, थोड़ा फास्ट सॉन्ग चलाया है, लेट्स डांस। देहरादून है ये 15 किलोमीटर्स रह रहा है, और जो मसूरी 47 किलोमीटर्स दूर है। तो जाने वाले जो लोग हैं उधर से ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया है, रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इधर चल रहा है सारा कंस्ट्रक्शन का काम, नीचे है नदी। सारा कंस्ट्रक्शन है इधर, साइड का भी दिखाती हूँ मैं पे ना। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, ये आप देख सकते हो पूरा, मतलब क्रेन वर्क यहाँ पे, पता नहीं कुछ बन रहा होगा, शायद में भी कोई रूट बन रहा हो, तो ये पूरा वर्क यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो देहरादून रह गया है सिर्फ 13 किलोमीटर। अब हम जाएंगे अंदर से, तो यहाँ से पूरी स्टार्ट हो गई है। हम जाएंगे टनल के अंदर, छोटी सी टनल है ये। हम आ गए हैं टनल के अंदर, बारिश यहाँ पे लग रहा है कि ऑलरेडी हो के ख़त्म भी हो गई है। तो अभी तो फिलहाल कोई बारिश नहीं है, कोई ऐसा मौसम नहीं बना हुआ है, क्योंकि धूप निकल गई। अभी तक लग रहा था कि बारिश होगी, बट धूप निकल चुकी है, तो बारिश लगता है मॉर्निंग में हुई है। हाँ, रास्ता बिल्कुल साफ है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी इस जंगल की वजह से थोड़ी रोड जो है और ज़्यादा ब्रॉड कर रहे हैं, मे बी इसीलिए कंस्ट्रक्शन भी चल रहा होगा। पॉल्यूशन, तो सामने हमें दिख रही है पूरी देहरादून सिटी, उत्तराखंड। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, सामने क्लाउड्स और पूरी सिटी दिख ही रही है।
देहरादून का पलटन बाजार, तो जो गूगल मैप्स है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ की भी एक शॉर्ट क्लिप बना ली है। तो इस तरह से अभी शॉप ओपन नहीं हुई है, 9:30 बज चुके हैं, बट यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट ओपन हो रहा है। तो ये है देहरादून का पलटन बाजार। तो अभी कुछ दिख तो नहीं रहा क्योंकि कम शॉप्स ओपन हुई है। सुबह यहाँ पे बारिश हो चुकी है, जैसे कि लग रहा है सब कुछ गीला गीला है यहाँ पे, रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हैं। और आगे हम पहुँच चुके हैं, सामने आप देख सकते हो 9:30 बज रहे हैं घड़ी में सामने। तो रास्ता ही बंद है, कहाँ जाऊँ? और रास्ता ही बंद है, तो हम लेंगे इधर से टर्न लेफ्ट साइड से, तो यहाँ से हम लेंगे यू टर्न और चलते हैं वापस। तो यहाँ से हमें लगेगा अराउंड 1 घंटा अपने होटल के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी आगे की तरफ। मैं आपको पूरा मार्केट दिखा रही हूँ कि सारी ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर पेट्रोल पंप्स भी इस रोड पे। काफी वाला व्यू देखो आप, यहाँ से पूरी देहरादून सिटी दिख रही है। तो हम हैं मसूरी वाले रूट पे, सामने था शिव मंदिर। तो गाइस व्यू देखो कितना अच्छा है। तो गाइज मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा व्यू। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, होटल बस हम पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट यहाँ से लगेंगे अब हमें। तो व्यू यही है पूरा कॉमन, बस हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, नीचे का व्यू हमारा सेम है। तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे गाइज होटल पहुँच कर। तो ये व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर, एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आपके पास सारे अपडेट्स मेरे आते रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है? अपनी सारी वीडियो शेयर करती हूँ कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं हम होटल्स में, सब कुछ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस।